जब ब्रज में आए तो हम संत थे नहीं जी बाबा, हम एक बिजनेसमैन थे जी। क्या बिजनेस करते थे बाबा? हमारी हाई कोर्ट के ठीक सामने भोजनालय था जी बाबा, होटल था। होटल था, मतलब 20-22 लड़के काम करते थे वहाँ जी बाबा। उसके पहले हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस CRPF 153 बटालियन में 2-2.5 साल की नौकरी की, फिर हमें पसंद नहीं आई तो छोड़ के हम अपना बिजनेस से ठाकुर जी बुला लिया। ब्रज में आए तो फिर कहीं गए। हमने सुना है काफ़ी आप दबंग बाबा हैं, जब यहाँ संतों को भोजन नहीं मिलता था आप कई आश्रमों में जाकर लड़ भी चुके हैं। वह लड़ाई झगड़े तो जरूरी है, जब चीज़ नहीं रहेगी आश्रमों में, सामान स्टॉक है, जैसे लॉकडाउन के समय लकड़ी ना मिले। तो परशुराम का खून है आप में भाई, कहीं भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। इस समय हम खड़े हुए हैं कुसुम सरोवर के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर एक सीता राधा रसोई है जिसे चलाते हैं हमारे रोटी बाबा के नाम से, जिनका नाम है, और लगभग कई हज़ार साधु संतों को वो दिन में दोनों उस टाइम का और सुबह नाश्ता भी कराते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे साधु संत हैं जो अभी सब्जी काटने में लगे हुए हैं, और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन प्रसादी यहाँ पर बनाया जाता है। और उसका मुख्य कारण क्या रहा कि हमारे रोटी बाबा को ये सब चीज़ यहाँ पर शुरू करनी पड़ी, जबकि गोवर्धन में बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ भी भोजन बनाया जाता है, फिर उसके बाद हमारे रोटी बाबा को ये शुरुआत क्यों शुरू करनी पड़ी? एक बार मैं आपको उनकी पूरी रसोई का टूर कराता हूँ कि कैसे यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। भोजन यहाँ आज भी पुराने तरीके से बनाया जाता है, लकड़ी और चूल्हों के द्वारा। आइए अब सीधा शुरू करते हैं उनकी रसोई का टूर, और उसके बाद यहाँ के जो रोटी बाबा हैं उनसे बातचीत करते हैं कैसे इस चीज़ की शुरुआत हुई। अब सर्वप्रथम आप देखेंगे यह है छोटी जो परिक्रमा है गोवर्धन की, उसी का परिक्रमा मार्ग है, और बिल्कुल इसी के सामने है आपका कुसुम सरोवर जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं। एक बार मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आज मैं अकेला ही हूँ, कैमरा मुझे ही पकड़ना पड़ रहा है, तो इसलिए अगर वीडियो में कोई भी आपको दिक्कत लगे तो उसके लिए कृपया हमें माफ़ करें। और जो सीता राधा रसोई है आप देख सकते हैं सामने, सुबह शाम मतलब इसमें नाश्ता भी है और सुबह का भोजन प्रसादी भी है और रात्रि भोजन प्रसादी भी है। अब सीधा चलते हैं अंदर, और बिल्कुल सामने हैं हमारे रोटी बाबा। रोटी बाबा राधे राधे। और सबसे प्रथम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर भी हमारे कुछ महाराज जी जो सब्जियाँ काट रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर भिंडी है। महाराज जी राधे राधे। तो महाराज जी कैसा अनुभव होता है यहाँ पर सेवा करके? बहुत बढ़िया सब तो होता है। तो बाबा कब से यहाँ पर आप सेवा कर रहे हैं? हो गई तो 3-4 महीना। 3-4 महीने हो गए। राधे राधे बाबा। बाबा आपको कितना समय हो गया? हमें तो यहाँ 5 साल हो गए, लेकिन यहाँ अभी अभी सेवा भाव अभी शुरू हो गया। अच्छा बाबा, आनंद आता है? हाँ आनंद ही है, आनंद के अलावा यहाँ आ गया। अच्छा तो बाबा लगभग कितने लोग डेली यहाँ पर भोजन प्रसादी पाते हैं हमारे संत महात्मा भी? कम से कम 500 आदमी तो सुबह बैठ जाते हैं। 500 आदमी तक तो बैठ जाते हैं। और उसके बाद आप इधर देख लें, यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, और बिल्कुल ये एक सरकारी ज़मीन पर ही है, यहाँ कोई वैसे व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पर जितने भी मसाले वगैरह हैं वो सामने रखे हुए हैं, सब्जियाँ रखी रही हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम की जो खीर प्रसादी है उसकी तैयारी चल रही है, दूध को अच्छे से चलाया जा रहा है, और चावल भी आ चुके हैं, और सामने टमाटर काटे जा रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी लगभग कितने टमाटर आप काट रहे हैं? एक बाल्टी। एक बाल्टी, तो ये एक समय की सब्जी के लिए है? हाँ एक समय के लिए है। तो आज कौन सी सब्जी प्रसादी बनाई जा रही है शाम के समय? भिंडा और टिंडा। अच्छा, और उसके साथ फुल्का प्रसादी होती है? नहीं आज पूड़ी है। अच्छा पूड़ी है। हाँ। वैसे खीर पूरी है। अच्छा यहाँ पर दूसरे महाराज जी, महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। डेली क्या होता है खाने में? यहाँ का अलग अलग होता है, सब खाना अलग अलग होता है, सब खाना अलग अलग होता है। अब तो दाल हुए, सब्जी है, टिक्कर भी बनाए जाते हैं। टिक्कर दोनों टाइम बनते हैं। टिक्कर दोनों टाइम बनाए जाते हैं। दोनों टाइम टिक्कर बनते हैं जी। सब्जी अदल बदल होती है, गढ़ की सब्जी होती है, दाल होती है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूजनीय रोटी बाबा, आइए सर्वप्रथम उनका नाम जानते हैं। बाबा राधे राधे। जय जय श्री राधे। तो बाबा सर्वप्रथम आप हमें अपना नाम बताइए। हमें रामदास कहते हैं गुरु जी। बाबा गुरु जी की तरफ से रामदास का नाम मिला हुआ है, और पूरे 7 को सब में ज़्यादातर हमें शुक्ला जी के नाम से जानते हैं जी। बाबा ब्राह्मण परिवार से शरीर था जी, जब ब्रज में आए तो हम संत थे नहीं जी। बाबा हम एक बिजनेसमैन थे जी। क्या बिजनेस करते थे बाबा? हमारी हाई कोर्ट के ठीक सामने भोजनालय था जी बाबा, होटल था। होटल था, मतलब 20-22 लड़के काम करते थे वहाँ जी बाबा। उसके पहले हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस
सीआरपीएफ 153 बटालियन में 2.5 साल की नौकरी की, फिर हमें पसंद नहीं आई तो छोड़ के हम अपना बिजनेस से ठाकुर जी बुला लिया। ब्रज में आए तो फिर कहीं गए ही नहीं। जय श्री प्रभुचर बाबा, यहाँ से धुआं काफ़ी आ रहा है, काफ़ी दिक्कत होती है खड़े होने में भी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखिए शुद्धता में तकलीफ तो होती है, बहुत से भगत आते हैं, मशीन है, गैस है, दुनिया की सेवा देते, लेकिन नहीं जो चूल्हे के भोजन में चाय तक देखे, चूल्हे संतों को चाय बनती है, चाय उधर बन रही है चूल्हे पर। हाँ, ये सुबह से आपकी सेवा चालू होती है। तो बाबा इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा हमें जब शुरू से ही हमारी सेवा में भाव था, पहले वृक्षों की सेवा किए, वृक्ष लगाना, फिर इसके बाद जल की सेवा, फिर बड़े बुजुर्ग संत आने लगे, उनको भोजन प्रसादी देख करके कि शाम को भूखे प्यासे रह जाते थे। हमारे एक बुजुर्ग संत हैं रोटी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, दान घाटी के नीचे समाधि के, गया प्रसाद जी के समाधि के पास रहते हैं जी जी, और वहाँ तक जाने में जाते तो थे संत, लेकिन वापसी में अंधेरा हो जाए, उनको कम दिखाई पड़े, चलने फिरने में असमर्थ हों, असुविधा काफ़ी होती, तो फिर यहाँ किसी तरह से आश्रमों से कैसे भी व्यवस्था करके हाथ पाँव जोड़ के काम चलाते थे। फिर बीच में मन हुआ कि द्वारिका चलते हैं घूमने, निकल गए द्वारिका जी बाबा। अब द्वारका गए तो ब्रज का नशा तो शरीर में था, और राजा साहब यहाँ लाला की सेवा जी, यहाँ लाला कह के कुछ भी कहो जी, ठाकुर जी को उल्टा सीधा सब सुन लेता है जी। और वहाँ तो राजा साहब के यहाँ दर्शन भी दुर्लभ हो गए जी। तो बाबा थोड़ा आगे आ जाते हैं क्योंकि हाँ। आंसू ही बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं जी। तो ठीक है जी बाबा। तो द्वारका में हम लाइन में गए तो मन में क्रोध जैसे पैदा हो गया कि हम राजा साहब के यहाँ आकर के हम लाइन में लगेंगे ब्रिज से आकर के जी जी जी। तो हम कहना हम दर्शन ना करेंगे, पीछे मंदिर के गए, दंडवत किए और वापस चले। हम कहना ब्रिज से हमें एक कदम के लिए बाहर मत करना जी। उसके बाद कभी आप ब्रिज से बाहर नहीं गए? हाँ, ठाकुर जी कभी ना भेजा, मतलब हमें यहाँ तक किस समय नहीं जाना नहीं पड़ता कि हम बाजार से भी एक थैली नमक का रेट नहीं मालूम, सब कुछ अपने आप ठाकुर जी सब पहुँचा देते, सब अपने आप पहुँचाता। लॉकडाउन के जैसे समय में, शनिवार इतवार के समय में लॉकडाउन में शनिवार इतवार के आदमी एक आदमी नहीं निकल सकता था, रिक्शे में लाद के स्वयं ठाकुर जी यहाँ सामान भेजता। वो ठाकुर जी नहीं था कौन है, जब दुकानें बंद, मार्केट बंद, सब आना जाना बंद, और रिक्शा आ रहा था कहाँ से आ रहा? ठाकुर जी, वो ठाकुर जी स्वयं आ रहा। तो बड़ी विषम परिस्थितियों से। तो महाराज जी आज खीर प्रसादी बनाई जा रही है, कुछ विशेष है आज? हाँ, आज संतोषी माता का जन्मदिन है जी। संतोषी माता का जन्मदिन है आज? हाँ, सप्तमी तिथि के दिन उनका जन्म हुआ था, जेठ के महीने में। तो आज जन्मदिन के तरफ से एक हमारे हरियाणा वाले बाबा जी बैठे हैं। अच्छा, हरियाणा से हैं? हरियाणा से, हरियाणा वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, हरियाणा से हैं जी। अब तो ब्रज के हैं, जब हरियाणा का कुछ हिस्सा भी ब्रज में ही आता है, है तो हरियाणा वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं जी। लगभग 2-3 दंडवती 108 की लगाए हैं, अब सेवा में लगे हुए हैं रात दिन अपना। और बाबा हमने सुना है काफ़ी आप दबंग बाबा हैं, जब यहाँ संतों को भोजन नहीं मिलता था आप कई आश्रमों में जाकर लड़ भी चुके हैं। वह लड़ाई झगड़े तो ज़रूरी है, जब चीज़ नहीं रहेगी, आश्रमों में सामान स्टॉक है, जैसे लॉकडाउन के समय लकड़ी ना मिले। तो परशुराम का खून है आप में? भाई कहीं भी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, धर्म के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा। ऐसा नहीं कि दुश्मनी मोल लेना, लड़ झगड़ के किसी तरह से सामग्री ले आए, दूसरे दिन हाथ जोड़ लिए, गलती हो गई क्षमा करना, सेवा के लिए लाए हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बीती हैं, लेकिन हो गए, वो सब बीती बातें हैं। तो बाबा मुश्किल भी आई चलाने में इस चीज़? हाँ, थोड़ी मुश्किल तो आती है, ठाकुर जी ऐसे परीक्षा जरूर लेते हैं। परीक्षा लेता है, उसका नाम है टेढ़ी टांग वाला, तो सीधा थोड़ी काम देगा अपने। क्या क्या परेशानी आई बाबा? छोटी मोटी आती रहती हैं, तो बहुत परेशानियाँ। तो बाबा ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये छोटी परिक्रमा मार्ग राधा कुंड क्षेत्र लगता है, कुसुम सरोवर के ठीक सामने, बालाजी मंदिर के ठीक सामने है जी बाबा। रोड पे है आपके बिल्कुल, यहाँ सुबह 5 बजे संतों की चाय नाश्ता शुरू हो जाता है। नहीं, चाय चाय 250 सुबह चाय, फिर अभी 3 बज रहा है, चाय 250 बन रही है जी। इसके बाद 8 बजे से पंगत चालू हो जाती है आपकी जी। तो ये 12 बजे रात तक बंद ना, सुबह शाम ज़्यादा भीड़ होती है भोजन के समय में, फिर 2-4-10 आते जाते रहते हैं ज़रूरतमंद। कहीं भी आप पूछेंगे भोजन प्रसादी बेटाई में कहाँ मिलेगा, तो यहीं लोग बताते हैं, आते हैं भैया सेवा करो। अभी भी रोटियां देखिए एनी टाइम रखी रहती हैं, ये तो रोटियां आपकी पक्षियों की सेवा के लिए। अच्छा, पक्षी सेवा भी? हाँ। अच्छा, हमने सुना है बाबा आप खाली संत सेवा नहीं करते, उसके अलावा भी आप वानर सेवा, गौ सेवा? हाँ, सुबह
सात बजे जो है तो गौ सेवा है, 7:30 बजे बानरों की सेवा है, फिर पंगत होने के बाद पक्षी और मछलियों की सेवा है जी बाबा। इसी तरह सेवा चलती रहती है, जल की सेवा 24 घंटे चलती है आपकी जी बाबा। इसी तरह से राधा रानी सब बाबा। ये सेवा किस प्रकार की जाती है? कोई कमेटी नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, स्वैच्छिक जिसका मन है पहुंचा दे। नाम है सीता राधा रसोई, मैया जाने, बाबू जाने। अभी तो बाबा इस समय जो दर्शक हमें देश विदेश से देख रहे हैं, अगर वो कोई सेवा यहाँ पहुँचाना चाहें? इच्छा अनुसार, देखिए किसी को भी सेवा और भजन इच्छा अनुसार, सौदेबाजी नहीं करना चाहिए कि हमें इतना दे दो, हम तुम्हारे यहाँ आए हैं साधु हैं तो हमें भिक्षा दो। जब महाराज जी गली घर घर भिक्षा मांगने जाएंगे तो फिर महाराज जी का एक सही बात। संत को तो ये अपनी भजन और सेवा में बैठ जाना चाहिए, वो तो ठाकुर जी आएगा, किसी न किसी को भेजेगा, उसका काम है वो, हमें तो भजन और सेवा करनी है। संत का तो वही काम है हमारे समझ से, बाकी सब संत पढ़े लिखे विद्वान, हम तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भजन और सेवा के अलावा कोई काम नहीं। हमें तो कारगिल थोड़ी जाना बॉर्डर में बंदूक लेके, वो तो हमारे देश के लाल जाएंगे, देश की रक्षा करने वाले, हम तो उनके लिए भजन करेंगे, सेवा करेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि उनकी जान माल का नुकसान ना हो, सलामती रहे, सलामती रहे, देश हमारा सुरक्षित रहे, भारत माँ का। बाबा एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया उससे पहले आप होटल चलाते थे और आप CRPF में थे, तो वो जीवन कहीं ज़्यादा आसान नहीं था? आज ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता? नहीं, आनंद नहीं था, जो रस सेवा और भजन में, वहाँ भी हम सेवा करते थे, होटल में भी कम से कम 50 आदमी भोजन हम बैठ के करवाते थे, ये नहीं कि थोड़ा सा दे दो जाओ भिखारी समझ, परिस्थिति के हिसाब से लूले लंगड़े पागल आगल जैसे भी आ जाए बैठा के भरपेट भोजन खिलाते थे। जैसे कस्टमर को 500 रुपये देने वाला कस्टमर है, उसी हिसाब से टेबल तखत सब तरह से व्यवस्था करते थे उसकी जी। और बाबा कोई आप संदेश देना चाहें जो भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं उन्हें? संदेश ठाकुर जी कृपा से यही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सभी हिंदुओं को जागना चाहिए, और देश में जो सब मुस्लिम को तो नहीं कहेंगे जी, मुस्लिम तो एक से एक बढ़िया हैं, लेकिन लाखों में एक मिलेंगे अब तो। कम से कम सब हिंदू को जागना चाहिए, जो अच्छे मुसलमान हैं उनको अपने फेवर में लाना चाहिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बहुत ज़रूरी हो गया है। हमें हर हिंदू को आपस में किसी से मिलना है, जुलना है, हाय हेलो छोड़ करके सीता राम राधे से, हम कितने देवी देवता हमारे सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ना है, सनातन धर्म की तरफ बढ़ना है। दुनिया भारत की नकल कर रही है, हम उल्टा विदेशों की नकल कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, उनसे शिक्षा लेनी पड़ रही है। देश को हिंदू को जगाने की ज़रूरत है और राम राम कहने की ज़रूरत है। अब आज के समय में देखिए कि आदमी न्यूज में खबरों में कि हनुमान जी की पूजा बंद हो जाए, कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, मजारों की संख्या जगह जगह बढ़ती जा रही है, तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को जागना ज़रूरी है। लड़ाई ना करो, विरोध ज़रूर करो, सरकार का सहारा लेके विरोध करो जी, किसी को मारो ना, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन हमारे पीछे जब सरकार खड़ी है, सरकार का सहारा लेके हमें कि यहाँ नई मजार बनी था, हम उसके समर्थन में खड़े हों, 10 आदमी यहाँ गलत हो रहा था खड़े हों, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। बस यही कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, जय जय श्री राधे। बाकी ठाकुर जी हमारे साथ है, हमारे इतने देवी देवता साथ हैं जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे बाबा। तो आपने देखा कि हमारे रोटी बाबा लगभग डेली 500 से 1000 लोगों को भोजन कराते हैं, संत की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, वानर सेवा करते हैं, और कई सालों से रसोई चली हुई है, और आज के दिन यहाँ पर खीर प्रसादी बनाई जा रही है और भी व्यंजन बनाए जा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ कोई अपनी सेवा पहुँचाना चाहते हैं तो फोन पे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इसी प्रकार हम और आप अपनी सनातन संस्कृति की सेवा करते रहेंगे। जैसा कि बाबा ने कहा, हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग को छोड़कर राम राम कहने की ज़रूरत है, तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दें। अगर आपको हमारी वीडियो किसी भी कारण से पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राम राम।